हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ चना मसाला। इसे मैं देसी घी से बनाऊंगी और किचन के सिंपल मसालों से बनाऊंगी जो हर किचन में अवेलेबल होते हैं। चना मसाला बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। मैंने एक कटोरी चनों को 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और उसे अच्छे से हमने वॉश कर लिया। अब हम एक कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और जो हमने चने वॉश किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम 3 से 4 सूखे आंवले के टुकड़े, 1 चम्मच नमक और 1 चुटकी खाने का सोडा। पानी हम इसमें इतना ही डालेंगे कि छोले अच्छे से डूब जाएं और उसके लगभग 1 इंच ऊपर ही पानी हो। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 7 से 8 विसल आने तक इसे हम पकाएंगे। देखिए, चने हमारे बॉईल हो गए हैं। चने हमें इतने अच्छे से बॉईल करने हैं कि हम इसे हल्का सा ही प्रेस करें और ये दबने लगे, इसका मतलब छोले हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तड़के के लिए हमें चाहिए भुना हुआ जीरा पाउडर, कस्तूरी मेथी, जीरा, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, चना मसाला, गरम मसाला, नमक। ये कुछ खड़े मसाले हैं जैसे कि तेज़पत्ता, लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और थोड़ी सी अजवाइन, 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, 2 टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया है और ये 2-3 लहसुन की कलियाँ, छोटा सा टुकड़ा अदरक का और हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी डालेंगे। छोले हमेशा देसी घी में ही बनाएं, इसका टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। उसमें डालेंगे हम 1 चुटकी हींग, 2 तेज़पत्ते, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और हम इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे पहले ताकि हींग का फ्लेवर इसमें अच्छे से घी में आ जाए। फिर हम डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे जीरा। जब जीरा अच्छे से क्रैकल होने लगे तब हम इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज लिए हैं। अब हम इसे पिंक होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो मैंने बारीक काटा है। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं। इसे 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, उसे हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जिसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। हमने बॉईल करने में भी नमक डाला था इसलिए हम नमक अभी ज़्यादा नहीं डालेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से हम इसे भूनेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें अब बॉईल किए हुए छोले डाल देंगे, पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ छोले डालेंगे और इसे मिक्स भी हम नहीं करेंगे। ऊपर से हम इसके मसाले डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच हम चना मसाला डालेंगे, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर डालेंगे इसमें और थोड़ी सी हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी ऊपर से गरम करके। एक छोटे तड़का पैन में आप देसी घी को गरम कर लें अच्छे से और जब ये बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इस मसाले के ऊपर ये देसी घी डालेंगे। फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है, हाई नहीं करनी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि छोले अच्छे से मिक्स भी हो जाएं, हल्के हल्के मैश भी हो जाएं। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और जो हमने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे और जो हमने छोले का पानी बचाया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। ये देखिए छोले हमारे कितने टेस्टी लग रहे हैं। आप इसे पूड़ी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ पनीर और थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे हम हरा धनिया
चना मसाला बनाते समय आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम हमारी स्लो ही हो। ज़्यादा हाई फ्लेम पर मसाले जल जाएंगे और छोलों का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये देखिए छोले हमारे सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इसे पनीर के साथ गार्निश किया है। मैंने कुकी कटर से पनीर को हार्ट शेप का काट लिया। आप चाहें तो स्क्वायर या रेक्टेंगल भी काट सकते हैं। फिर एक पैन में थोड़ा सा देसी घी लेके मैंने इसे अलट पलट कर दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेक लिया। अब हम इसे छोलों की गार्निश करेंगे। देखिए छोले हमारे एकदम रेडी हैं। आज मैंने छोले कुलचे के साथ सर्व किए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।